नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के शरीर की छोटी बड़ी व नाजुक हड्डियों और मांसपेशियों में तेज दर्द होने लग जाए तो उस व्यक्ति का जीवन जीना असंभव हो जाता है और दुनिया में ऐसी कई बीमारी हैं जो आज भी लाइलाज मानी जाती है। दोस्तों, आज हम ऐसी एक लाइलाज बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया से ग्रसित एक पेशेंट जेपी गोठी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इस बीमारी से लगभग 4 साल से परेशान थे और कई जगह काफी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं जेपी गोठी जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की फाइब्रोमाइल्जिया पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम जेपी गोठी, मैं साजापुर में रहता हूँ। मुझे पिछले 4 सालों से जो समस्या है वो बैक पेन की समस्या शुरुआत हुई थी। पीछे से दर्द चालू हुआ था मुझे, दोनों ज्वाइंटों के पीछे से होता हुआ, तो धीरे धीरे पैरों पर घुटनों तक नीचे तक होता हुआ दर्द पूरे शरीर में फैल गया था। तो मैं 2-3 महीने तक तो ऐसे ही समझा के कोई साधारण मस्कुलर पेन वगैरह कुछ होगा, तो सामान्य से ट्रीटमेंट कराता रहा, कभी इस डॉक्टर से कभी आयुर्वेदिक ये वगैरह, लेकिन फिर भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। फिर मैंने इंदौर में आके अच्छे से न्यूरोलॉजिस्ट जो है उनको दिखाया, उन्होंने मेरी कई तरह की MRI वगैरह की वगैरह, कई टेस्ट किए वगैरह, लेकिन उसमें किसी में कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनका मैंने 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट खाया, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैं आयुर्वेदिक में गया, आयुर्वेदिक में मैंने 4-5-6 महीने तक ट्रीटमेंट लिया। आयुर्वेदिक में कहा कि आपको ये है वात वगैरह को जो भी है कुछ तो करके, लेकिन उससे से भी और दर्द बढ़ता गया, कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं मालूम हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पंचकर्म करा लीजिए, तो मैंने वहीं रह के उनके पंचकर्मा जो आयुर्वेदिक में होती है वहाँ 1 महीने तक पूरी प्रक्रिया वो करवाई, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं एलोपैथिक डॉक्टर में रूमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है वहाँ गया, तब वहाँ टेस्ट में मुझे उनने पता चला कि मुझे ऑटोइम्यून डिसीज वगैरह उन्होंने मुझे बताई, मेरा ANA जो था वो पॉजिटिव आया था। तो उन्होंने कहा कि ये है आपको ट्रीटमेंट, मैंने कहा कि इसका कोई इलाज वगैरह, तो उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम आपको ये दवाइयाँ खाना पड़ेगी, इसका कोई स्थायी इलाज वगैरह नहीं है। तो मैंने फिर भी 2 से 3 महीने तक उनकी दवाई खाई, लेकिन दवाइयों में क्या वो स्टेराइड वगैरह और पेन किलर वगैरह नहीं, ये सारे होते थे। तो जाए 1-2 दिन भी अगर नहीं खाई के वापस से तकलीफ और बढ़ जाती थी। फिर मेरे एक फ्रेंड ही थे वहीं साजापुर में जो डॉक्टर थे होम्योपैथिक डॉक्टर ही, तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले उन्होंने राय दी कि आप ये छोड़ो एलोपैथिक, अगर ये आप लेते जाओगे तो धीरे धीरे आप ठीक होने के बजाय धीरे धीरे आपके लीवर किडनी वगैरह सब खराब होते जाएंगे और आप धीरे धीरे ख़त्म होते जाओगे। तो फिर मैंने एलोपैथिक छोड़ के कुछ दिनों तक उनकी होम्योपैथिक दवाई ली, लेकिन उनकी होम्योपैथिक दवाई से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने अदर और डॉक्टर चेंज करे, फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, साल भर तक करीबन मैंने दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से लिया, लेकिन उनसे भी कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर खुद मुझे उन्होंने, मेरे जो फ्रेंड है डॉक्टर, उन्होंने बोला कि आप अर्पित जी चोपड़ा साहब जो है इंदौर में, आप एक बार उनसे जाके मिलिए वगैरह। तो मैं आया, सर के पास आया, तो सर के पास पहले बार मिला, तो मिलते सही मुझे लगा सर का व्यवहार वगैरह नेचर बहुत ही बढ़िया लगा। तो सर ने सारी चीज़ें मुझे बताई बहुत अच्छी तरह के, आपको ऐसी ऑटोइम्यून डिसीज है, ऑटोइम्यून डिसीज में ये ANA पॉजिटिव और आपको एक फाइब्रोमाइल्जिया करके बीमारी है। और फाइब्रोमाइल्जिया का बारे में मैंने भी सुना था कि फाइब्रोमाइल्जिया एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। तो सर ने मेरा ट्रीटमेंट चालू किया, तो 1 महीने के बाद वापस से मेरी जो मैंने टेस्ट करवाया था ANA, तो वो मेरी नेगेटिव आ गई। तो अब मैं आज जो है मेरे जो 2-1 महीने 3 महीने हो गए, तो आज मुझे दर्द में राहत मिल गया। इसी के साथ ही मुझे एक प्रॉब्लम थी खुजली की शरीर में, मतलब शरीर में धीरे धीरे खुजली की ऐसी प्रॉब्लम थी कि मेरी वो भी इम्यून सिस्टम से संबंधित थी। जब मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है, उसका भी मैं ट्रीटमेंट 2-4 साल से करा रहा था, जगह जगह मैंने एलोपैथिक में भी खूब कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को कराया, लेकिन किसी से कुछ खुजली जा नहीं रही थी। सर को मैंने बताया कि ऐसा है कि सर मैं कुछ भी खाता हूँ, खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ें वगैरह जो भी है, तो मेरी खुजली और बढ़ जाती है। तो सर ने कहा कि यह कुछ भी नहीं, ये भी इम्यून सिस्टम से संबंधित है, ये जो आपको बीमारी है ये ऑटोइम्यूनिटी से उसी से संबंधित है,
ये ट्रीटमेंट आपको चलेगा, तो उसी से ये भी क्लियर होगा। तो आज ये पोजीशन है कि उसमें मुझे राहत मिल गई है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खाने से छूट गई थी, धीरे धीरे मैं कुछ फल फूल खट्टे टाइप थोड़े थे वो भी नहीं खा पाता था, ठंडी चीज़ें शीत चीज़ें नहीं खाता था, आज मैं काफ़ी हद तक मैं उनको खाने लग गया हूँ धीरे धीरे, तो मुझे वो तकलीफ नहीं है। मैं तो मेरे लिए तो सर जो है एक तरीके से भगवान की तरह है, क्योंकि मैं तो जगह जगह इलाज करा के इतना परेशान हो गया था कि मेरे माइंड में तो ये बात बैठ गई थी कि अब मेरी प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब मेरी लाइफ यूँ समझो कि ख़त्म है, अब जो भी है अब दवाइयों के सहारे ने घर में रह के ना करना है। लेकिन सर के ट्रीटमेंट के बाद अब सारी चीज़ें मुझे वापस से मैं अपनी लाइफ थोड़े जीने लगा हूँ, सारे वर्क छोटे मोटे फिर करने लगा हूँ वापस, और मुझे विश्वास है कि आगे करके मैं पूरा इसको क्लियर कर लूँगा। तो सर के यहाँ मैं आता है देखता हूँ, इतने दिन आया तो मैंने केवल मेरी इस बीमारी से संबंधित ही नहीं है, मैंने और कई सारी की प्रॉब्लम है, आर एफ फैक्टर वाले देखे हैं, दूसरे किडनियों से संबंधित वाले देखे, हार्ट से संबंधित देख रहे, कैंसर से पीड़ित तक के देखे हैं, तो उनके सारे को जिनको 2 महीने या 1 महीने या 3 महीने में उनकी पोजीशन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हो गई। मतलब मैं कहूँगा कि सर जो ट्रीटमेंट लाए हैं होम्योपैथिक में तो ट्रीटमेंट है, लेकिन सर जो लाए होम्योपैथिक है लेकिन मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लाए हैं, जिसमें जो बहुत ही फास्ट रिकवर करता है किसी भी ट्रीटमेंट पे, किसी भी बीमारी पे बहुत ही फास्ट रिकवर करता है, और जो लोगों की मानसिकता है कि होम्योपैथिक तो बहुत लंबा समय लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मॉडर्न होम्योपैथिक है ये एलोपैथिक से कई बढ़ के बहुत जल्दी इसका असर शरीर पे होता है और बीमारी खत्म होती है। तो मैं तो दूसरों को भी सभी कहूँगा कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो चाहे एक बार आप सर के पास आइए यहाँ पे और सर को दिखाइए और सारी चीज़ें बताइए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी और निश्चिंत ही आप जरूर स्वस्थ हो। डॉक्टर साहब के लिए मैं इतना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एक डॉक्टरी का पैसा तो है उन्होंने जो नीचे, लेकिन एक समाज सेवा भी कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके जो ट्रीटमेंट है वो इतने मतलब इतना कास्टली भी नहीं है, नहीं तो जिस प्रकार जिस जो ट्रीटमेंट दूसरी जगह और मार्केट में जितने कास्टली ट्रीटमेंट हो रहे हैं उससे तो बहुत ही कम मामूली रेट में ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट में मॉडर्न होम्योपैथिक में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है, शुरुआत से लेकर ही डॉक्टर साहब बोलते थे कि आपको जो खाना पीना वगैरह आप सब खा पी सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी वो परहेज वगैरह नहीं है। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात है तो होम्योपैथिक तो यूँ भी सभी कहते हैं कि किसी होम्योपैथिक पूरी तरह साइड इफ़ेक्ट से दूर ही है, मतलब इसमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं है, और मैंने भी जो लिए मेरे को मुझे किसी तरह का कोई भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ना किसी की तरह कोई तकलीफ अदर दूसरी हुई, ना कोई बड़े वगैरह कुछ भी नहीं, तो इसमें तेरे कोई कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और मैं तो क्या मरीज़ के लिए तो जो भी डॉक्टर है वो भगवान की तरह होता है अगर ठीक होता है, तो डॉक्टर साहब को तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे जेपी गोठी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह वे लगभग 4 साल से फाइब्रोमाइल्जिया जैसी लाइलाज बीमारी से परेशान थे और कई जगह आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 1 महीने में उन्होंने अपनी फाइब्रोमाइल्जिया सहित अन्य समस्याओं पर जीत हासिल की और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के फाइब्रोमाइल्जिया पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिस्टर जयप्रकाश गोठी जी की, जो कि पीड़ित थे दुनिया की एक रेयरेस्ट बीमारी जिसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया, या फिर एक नया नाम जो अभी प्रचलन में आने लगा है, क्रोनिक फटिक सिंड्रोम या फिर माइल्जिक इंसिफेलोमाइलाइटिस। दोस्तों, अगर इस बीमारी के बारे में बात करें तो गोठी साहब पिछले 4 वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित थे और 4 वर्षों में उन्होंने करीब एलोपैथी का काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लिया, बाद में उन्होंने आयुर्वेदिक का बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया और फाइनली उन्होंने अपने दोस्त के थ्रू होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया। लेकिन अगर हम उनके शब्दों में समझें तो लगभग 4 वर्षों से इतना सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी जब उन्हें आराम नहीं मिला तो उन्होंने फिर इंदौर के काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया,
रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाया और फाइनली जब उन्हें यह पता चला कि इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, आपको जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट या फिर पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स का सेवन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनका दिल जो इस बात को नहीं मानना चाह रहा था कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी से पीड़ित होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो तकलीफ की स्थिति में थे, इस कारण से उन्होंने किसी भी तरीके से इसके ऑप्शंस लेना चालू किए कि कहीं ना कहीं इसका इलाज हो सकता है। फिर उनके किसी दोस्त ने जो कि खुद ही एक डॉक्टर थे, वो मुझसे परिचित थे, उन्होंने मेरे बारे में बताया और दोस्तों उस बात का फायदा उन्हें ये मिला कि मिस्टर जेपी गोटी साहब ने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का केवल एक महीने का जो ट्रीटमेंट लिया उसकी बदौलत आज जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर जो कि उनकी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव पाया गया था, जो चार वर्षों से उन्हें परेशान कर रहा था, वो केवल एक महीने के मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से सामान्य हो गया। आज भी वो निगेटिव स्थिति में होकर पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पा रहे हैं और दुनिया के सामने जो चार साल से जो पीड़ित अवस्था में अपने आप को जो बहुत तकलीफ की अवस्था में पाते थे, आज कहीं ना कहीं वापस फिर से खड़े कर पा रहे हैं। दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी का एक और फायदा मिस्टर जेपी गोटी साहब ने भी अपने शब्दों में बताया कि ना केवल फाइब्रोमाइल्जिया से उन्हें मुक्ति मिली बल्कि इस बीमारी के साथ जो और भी कुछ एसोसिएटिंग जो सिम्टम्स थे, जैसे उनको शरीर में काफी तीव्र गति की खुजली का सामना करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उन्हें पूरी तरीके से आराम मिला। तो दोस्तों अगर हम फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में बात करें तो फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी रेयर बीमारी जिसमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कह सकते हैं कि मसल्स में काफी टेंडरनेस के साथ मसल्स में काफी फटीग की अनुभूति होती है, काफी दर्द का अनुभव होता है, कई बार ये दर्द इतनी तेजी से बढ़ने लग जाता है कि पेशेंट काफी सारे पेन किलर की अत्यधिक आवश्यकता के ऊपर निर्भर होने लग जाता है, और चूंकि जब कोई इलाज नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स या फिर पेन किलर्स के साथ वो नॉन स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर हो सकता है कि इम्यूनोसप्रेशन के ऊपर भी पूरी तरीके से निर्भर होने के लिए मजबूरी लेने लग जाता है, और दोस्तों चूंकि उसका कोई इलाज नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उन दवाइयों के झेलने पड़ते हैं, और आगे जाकर एक स्थिति ऐसा हो जाता है कि ना तो वो दवाइयां छोड़ पाता है और ना ही उसके साइड इफेक्ट से बच पाता है। तो दोस्तों उसके कंपेयर में हम बात करें तो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि इस तरीके की जो भी बीमारियां हैं जो रेयर अवस्था में ऑटो इम्यून लेवल पे हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल आपके बॉडी रिस्पॉन्स के ऊपर अटैक कर रही है या फिर रिमेटोलॉजी के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक कर रही है, अगर हम इन तरीके की काफी सारी बीमारियों के बारे में बात करें, चाहे वो फाइब्रोमाइल्जिया का केस हो जिसमें हमने ऑलरेडी सोनल भार्गव जी के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से केवल एक महीने के ट्रीटमेंट से उनका एएनए फैक्टर निगेटिव हुआ और आज भी वो फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, और साथ में उनका जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस था जो उस बीमारी के साथ कोरिलेशन में था वो भी हमने पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से ठीक किया। अगर हम दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करें तो मिसेस ज्योति राठौर जी जो कि केवल एक या दो महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से उन्होंने भी एएनए फैक्टर को अपना मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से निगेटिव किया और आज भी वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पा रही है। और ठीक उसी तरीके से एंकोराइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे एक बड़ी बीमारी जिसमें मिसेस शारदा बंसल जी ने दुनिया की सबसे रेयरेस्ट बीमारी में जिसका नाम आता है एंकोराइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें कि HLA-B27 पॉजिटिव माना जाता है और दुनिया में यह कहा गया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यह HLA-B27 किसी भी हालत में निगेटिव किया नहीं जा सकता, पर उसके बावजूद भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से उन्होंने HLA-B27 रिपोर्ट्स को भी अपने रिपोर्ट्स में निगेटिव किया और आज भी वो स्वस्थ जीवन जी पा रही है। इस तरीके से दोस्तों काफी सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट या फिर एसीली के पेशेंट या कह सकते हैं कि एवीएन के पेशेंट, काफी सारे ऐसे पेशेंट जो स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ लेकर हमारे पास आते हैं रूमेटोलॉजी आर्थोपेडिक पेन के कारण, घुटने के कारण, नी आर्थराइटिस के कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ सामान्य आर्थराइटिस के कारण, या फिर और भी कुछ इस तरीके की जो रूमेटोलॉजी या फिर आर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी का सामना करने वाली बीमारी के कारण आते हैं। तो मॉडर्न होम्योपैथी ये जो ट्रीटमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग आपकी बीमारी को ऊपर से भी कंट्रोल करें और आपके मेटाबॉलिज्म को वापस अंदर से भी मेंटेन करें और आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ाकर आपको वो क्षमता वापस दें जिस अवस्था में आपकी बॉडी पहले थी और बाद में इन बीमारियों के कारण कहीं ना कहीं विचलन की अवस्था में आने के कारण, डिटोरेशन के मोड में आने के कारण पूरी तरीके से प्रभावित होने लगी है। तो कहीं ना कहीं हम आपके बॉडी रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं और आपको वापस आपका रिस्पॉन्स मेंटेन करते हैं ताकि आप बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी पेन किलर के आप अपना सामान्य जीवन जी सकें और दुनिया में जितने भी इम्यूनोसप्रेसेंट या दबाने वाला जो ट्रीटमेंट है, सप्रेसिव ट्रीटमेंट है, उनसे हम आपको बचा सकें और कहीं ना कहीं वापस दुनिया के सामने खड़ा भी कर सकें। दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसके माध्यम से
हम लोग करीब 300 प्रकार के बीमारियों के लिए आपको इलाज दे पा रहे हैं। दुनिया की जितनी रेयरेस्ट बीमारी है, जितने भी बड़ी क्रिटिकल कैंसर, किडनी फेल, कोमा, सर्जिकल बीमारियां, ऑटोइम्यून बीमारियां, या फिर ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जिकल बीमारियां के साथ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी कोरिलेशन में होता है, उनको हमने करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स के जो डेटा, जिस भी माध्यम से आप देखना चाहें, चाहे यूट्यूब के माध्यम पे आप जाकर देख सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म या फिर वेबसाइट के थ्रू, आप प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उन पेशेंट्स की पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर, उनके नाम और नंबर के आधार पर भी वेरीफाई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसका जस्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। तो मॉडर्न होम्योपैथी एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट, जिसमें हम फास्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो बिगड़ा हुआ बॉडी रिस्पॉन्स है हम तेजी से उसे रिकवर करें। उसके लिए हम लोग 4000 से ज्यादा होम्योपैथिक की दवाइयां या 50 लाख पावर तक की होम्योपैथिक की दवाइयों को उपयोग में लेते हैं ताकि आपकी पैथोलॉजी की केस के अनुसार या फिर जिस भी अवस्था में वो बीमारी की सिवरिटी है उसके आधार पर हम उस पर अटैक कर सकें और आपको उन बीमारियों से जल्दी फ्री करा सकें। साथ में ये बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट, बिना केमिकल का ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसी कोई भी दवाइयां जो केमिकल बेस्ड होती है कहीं ना कहीं बॉडी के रिस्पांस को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट टोटली केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है, साथ में बिना परहेज का ट्रीटमेंट। जिस प्रकार से होम्योपैथी में कहा जाता है कि आपको काफी सारे परहेज करने पड़ते हैं, मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशल कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें हाई पावर का समावेश होने के कारण परहेज की जो लिमिटेशंस है वो हमने खत्म किया है। और साथ में अगर आपके केस में अगर 4 या 5 प्रकार की बीमारी है तो उसको मिलाकर हम केवल एक ही किट में आपकी उन 4-5 बीमारियों को कवर कर सकते हैं ताकि आपको 4 या 5 प्रकार के डॉक्टर्स के पास जाने की जो प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है, उनकी दवाइयां को खाने के लिए जो मजबूरी बनती है, जिसके साइड इफेक्ट्स आपको ताउम्र झेलने पड़ते हैं, उसको भी आप बचा सकें और अपना कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर भी दुनिया के सामने वापस खड़े हो सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से ये एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूं कि इस तरीके से किसी भी 300 बीमारियों के लिए जिसमें आप कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं, दुनिया में लाइलाज स्थिति में आ गए हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे ट्रीटमेंट लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो आपको लंबे समय तक बिना किसी ट्रीटमेंट के उद्देश्य के भी आपको उसे पूर्ति करने के लिए दिया जा रहा है, तो मेरा पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि आप मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लीजिए और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जेपी कोठी साहब ने केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से अपना एएनए फैक्टर निगेटिव किया और आज भी वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, उन्होंने अपने शब्दों में भी बहुत सारी चीजें बताई है, आप उनको सुनेंगे तो लगभग उनकी मन की जितनी बातें थी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उन्हें फायदा मिला, किस तरीके से उन्हें पहले का ट्रीटमेंट में क्या अनुभव था और मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्हें किस तरीके से डिफरेंस भी दिखा। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आप अगर 300 बीमारी में किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंदौर में आकर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आप आकर हमसे संपर्क करें और आप फेस टू फेस मिलकर कंसल्टेशन लेकर अपनी किसी भी बीमारी का समाधान लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और आपकी डिटेल्स हैं आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दीजिए, हम लोग आपके दिए हुए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपसे बात करके आपके लिए जो बनाई हुई किट है उसको कुरियर के माध्यम से आपके गंतव्य स्थान पर भेज सकेंगे और निश्चित तौर पर घर बैठे भी आपको इस तरीके की 300 बीमारियों पर, दुर्गम बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी से एक कदम आगे बढ़ाकर दुनिया के सामने खड़े भी कर सकेंगे और साबित भी कर सकेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुनिया में हमेशा गुनगुनाते रहें और पेन की स्थिति का सामना न करते हुए आप दुनिया के लिए भी पेनलेस होकर दूसरों का दर्द भी दूर करने के लिए खड़े हो सकें, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां फाइब्रोमाइल्जिया जैसी लाइलाज बीमारी पर तुरंत अपना असर दिखाती हैं और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में आपकी सहायता करती हैं। तो दोस्तों ये तो थी जेपी गोठी जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से फाइब्रोमाइल्जिया पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में अपना विश्वास दिखाएं और किसी भी गंभीर सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए इसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।